हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु शॉर्ट पे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप OBS स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप OBS स्टूडियो में आसानी से अपनी स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डबल क्लिक करेंगे तो ये OBS स्टूडियो आपका ओपन हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही ओपन होता है हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसे अपने PC को स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सोर्स दिख जाएगा, यहाँ पे एक प्लस बटन भी दिख जाएगा आपको। सिंपली इस प्लस बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें, अगर आपको गेम को कैप्चर करना है तो यहाँ पे गेम को कैप्चर कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर लगाएंगे तो भी आप जो है सब कुछ को कैप्चर कर सकते हैं। गेम हो, कुछ भी हो, आपके डिस्प्ले में जो भी होता रहेगा वो कैप्चर होता रहेगा। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर प्रूफ में दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम डिस्प्ले कैप्चर में जाएंगे, यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कैप्चर कर्सर भी राइट क्लिक कर देना है ताकि आपका कर्सर भी कैप्चर होता रहे। और यहाँ पे डिस्प्ले का साइज में आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कि पूरा फुल स्क्रीन ये नहीं आया है, तो यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म दिख जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म आपको आना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर पहले ट्रांसफॉर्म में हम विजिट करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे आपको फिट टू स्क्रीन कर देना है या फिर स्ट्रेच टू स्क्रीन। यहाँ पे आपको तीन चार ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सेंटर टू स्क्रीन भी है और सेंटर वर्टिकली है, सब कुछ यहाँ पे है। तो यहाँ पे फिट टू स्क्रीन करना है आपको। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म विजिट करेंगे, यहाँ पे फिट टू स्क्रीन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पूरा फिट हो गया है। अब जो है पूरा स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा, और यहाँ से लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं इस OBS स्टूडियो से, और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपना ट्यूटोरियल वीडियो भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरा देखे। और यहाँ पे देखे क्या करना है कि आपका माइक भी ऑन होना चाहिए। यहाँ पे देखे, यहाँ से भी आप माइक को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे माइक आपको, यहाँ पे ऑडियो इनपुट कैप्चर दिख जाएगा। यहाँ पे ऑडियो इनपुट कैप्चर अगर आप करते हैं तो आपका ऑडियो इनपुट कैप्चर यानी कि ऑडियो भी रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे देखे, मैं ऑडियो इनपुट कैप्चर पे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखे कि यहाँ पे आपको माइक सेलेक्ट करना होगा। जो भी माइक आप अपने PC में लगा रखे हैं या फिर लैपटॉप में लगा रखे हैं, वो माइक को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना है आपको, और जो है आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखे कि माइक्रोफोन टू हाई डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, माइक्रोफोन इरियन वेबकैम दिया गया है। जो भी माइक्रोफोन आपका लगा हुआ है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, और आपका माइक्रोफोन यहाँ पे वर्क करेगा। यहाँ पे ओके बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा माइक्रोफोन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारा माइक्रोफोन ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा माइक है, और जैसे मैं यहाँ पे साइलेंट होता हूँ, यहाँ पे देखिए कि ये कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसे हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रिमूव ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर रिमूव नहीं होता है तो यहाँ से इसे क्रॉस कर देना है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये मेरा माइक वर्क कर रहा है, बिना यहाँ पे इनपुट डिवाइस कैप्चर किए हुए भी आपका माइक अगर वर्क करता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे एडवांस मैं ले जाऊँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सब कुछ। यहाँ पे कुछ भी छेड़ना नहीं है, और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ में दिखाऊँ कि यहाँ पे देखिए माइक्रोफोन टू हाई डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने लगा रखा था, इसलिए मैंने दूसरी बार जो माइक लगाया तो यहाँ पे वर्क नहीं किया। देखिए यहाँ पे हमारा माइक वर्क कर रहा है प्रॉपरली। जैसे कि देखिए, मैं साइलेंट होता है तो ये पूरा एकदम ब्लिंक होना ये कम हो जाता है। देखिए हम साइलेंट होते हैं तो देखा फ्रेंड्स आपने, यहाँ पे माइक मेरा लग गया है। अब सिंपली रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना। देखिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट रिकॉर्डिंग, यहाँ पे रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गया है। अब जो भी आप स्क्रीन पे करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो रिकॉर्ड होता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने दो तीन बार यहाँ पे रिफ्रेश मारा है, और मैं अभी इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे हम, इसे स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा रिकॉर्डिंग कम्प्लीटली स्टॉप हो गया है। अब फाइल में जाएंगे, शो रिकॉर्डिंग्स में हम क्लिक करते हैं, तो देखिए हमारा रिकॉर्डिंग ऑलरेडी पहले से कई सारे रिकॉर्डिंग लगे हुए हैं, और अभी जो रिकॉर्डिंग हमारा हुआ है, कौन सा रिकॉर्डिंग हुआ है तो देखने के लिए यहाँ पे देखें, आपको डेट चेक करना है 3/20/2023 है, तो यहाँ पे देखें 3/20/2023 है, यहाँ पे टाइम भी है, तो यही हमारा रिकॉर्डिंग है। हम यहाँ पर डबल क्लिक करके प्ले करते हैं, उसके बाद इसे हम म्यूट कर देंगे। यहाँ पर क्लिक कर देना, देखें फ्रेंड्स, अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने म्यूट कर दिया है, और हम इसे प्ले करते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने रिकॉर्ड किया, ठीक उसी तरह से यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे फुल स्क्रीन में रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ पे देखिए कि हमारा ये जो एस्पेक्ट रेशियो, इसका जो है मैंने सेटअप नहीं किया था। अगर आपको एस्पेक्ट रेशियो फुल स्क्रीन में रिकॉर्ड करना है तो हमें ज़रूर कॉमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस OBS से रिलेटेड, तो हमें डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है कैसे नॉइज रिडक्शन करना है, कैसे आप प्रॉपर तरीके से इस पर सब कुछ कर सकते हैं A to Z, मैं फ्री में आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।